गरीब आदमी भी है, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे कि मेरी बहन बेटियां बैठी भाई, आजकल कोई दोस्त लाख लिया मतलब रोटी पता नहीं, कोई गैस के सिलेंडर रखे हैं। गैस की सिलेंडर था हमारे समय में 400 का और अब हो गया कितना 1150 का। अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500, उससे बात नहीं होगी। अब बैकवर्ड कहा सकता बैकलॉग पूरा कराएंगे। और जो क्रीमी लेयर का काम है जो हमारे समय में 8 लाख था, इन्हें घटा के 6 लाख कर दिया ताकि रिजर्वेशन का उसको फायदा ना हो, गरीब आदमी को नौकरी ना मिल सके। तो हमने मतलब 84 के भी बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो हमने उसका क्या है कि बैकलॉग ये जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लास के लिए जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे हम। एकदम ये भाई मोटे मोटे बात है, और तो बहुत है। हम बहनों के लिए भी महिलाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाएंगे, वो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करेंगे हम। सबसे ज्यादा अगर समाज में प्रमुख काम है जिम्मेवारी भाई सबसे ज्यादा ये निभाती है, पूरा परिवार संभाले सारा काम करे, तो इनके लिए अलग बनाएंगे और बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे काम बताए मैंने। सवाल इस बात का आपके सामने, अभी सभी साथियों ने कहा कि पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव की चर्चा करें, भाई तो हार जीत तो लगी हुई है, इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन कई दफा कसक रह जाती है। तो सवाल इस बात के मैं आ जा रहा हूँ, या तो मैं पढ़ता था जब नतीजा आता था ना रोहतक की सीट का, तो पूरे देश के अखबार में छपता था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, रिकॉर्ड था, चुनाव में कामयाब हुआ। तो भाई ये बताओ वो पिछला जो रिकॉर्ड रहा आपका देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कौन होगा? और इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, आपसे इजाजत लेना आया हूं मैं, क्योंकि फिर मेरे को सारे जन्म जाता है भाई। इनसे जो है बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता है, मैं ले लो भाई अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।